हेलो बच्चों। तो जैसा बच्चों हमने पिछली क्लास में कुछ इक्वेशंस पढ़े थे मोशन के, जो तीन इक्वेशंस हमने पढ़े थे मोशन के वो क्या क्या था बच्चों? एक तो हमारा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमारा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े थे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और पिछली क्लास में हमने दो तीन एग्जांपल्स भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। और फिर मैंने आपको आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग सात आठ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अलग से ट्राई करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल पे थोड़ा आपका जो बेस है वो थोड़ा मजबूत हो जाए। तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आया हूं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग जरा सॉल्व करते हैं और थोड़ा समझते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल के लिए हमें अप्रोच अप्लाई करना है। तीन न्यूमेरिकल हमने कल सॉल्व किए थे, सात छह सात हम आज सॉल्व कर लेंगे, 10 न्यूमेरिकल्स अगर हम कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप अपनी तरफ से और 20-25 न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप नोट करते चलें क्वेश्चन को। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक बस है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है, एंड इट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक बस है, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? रेस्ट से। और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कोई भी चीज, किसी भी चीज की शुरुआत अगर रेस्ट से है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और कह रहा है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो बस मूव कर रही है, और कितना एक्सेलरेशन है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय के लिए? 2 मिनट्स। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड्स। अब कह रहा है आपसे कि फाइंड स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपसे क्या फाइंड करना है? आपको कह रहा है कि भैया फाइंड करिए पहला पार्ट स्पीड एक्वायर्ड, यानी 120 सेकेंड के बाद, 2 मिनट के बाद कितनी स्पीड हो जा रही है उस बस की, वो आपको फाइंड करना है। और दूसरा आपसे कह रहे हैं कि उस 2 मिनट में जो डिस्टेंस उस बस ने ट्रेवल किया है वो फाइंड करना है। तो पॉज करके बच्चों इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया है। पॉज अरे कर लिया बच्चों सॉल्व, खुद से ट्राई किया, मैं उम्मीद करता हूं खुद से आपने ट्राई किया है, उसके बाद आप यहां पर फिर से दोबारा आपने रिज्यूम किए हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस, जो दोनों पार्ट हैं उसमें उसको देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमें वो देखते हैं। कह रहा है अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, स्टार्ट है यानी इनिशियल वेलोसिटी। और कह रहा है इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक ही बात। और कितना टाइम के लिए वो मूव करे? 2 मिनट, यानी 120 सेकेंड के लिए। अब आपसे क्या कह रहा है? फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, यानी पहला पार्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है स्पीड के लिए, यानी कि वेलोसिटी, एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करो। तो पहला पार्ट आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा है? वेलोसिटी। अब बच्चों देखिए, U, A और T, ये तीन चीज हमें पता है वेलोसिटी फाइंड करनी है। जरा देखिए कौन से इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। पहले इक्वेशन में देखिए आपको V फाइंड करना है, तो
तो क्या वी के अलावा बाकी सब कुछ हमें पता है? यू पता है, बिल्कुल पता है, ए पता है, पता है हमें, और टी भी हमें पता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे तो हमारा वी निकल कर आ जाएगा। आई होप आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज किए हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जरा पुट कर देते हैं, u की वैल्यू कितनी है? जीरो। a की वैल्यू कितनी है? 0.1। और t की वैल्यू कितनी है? 120। तो ये डेसिमल हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा बच्चों। तो 10 से 10 कट गया, 1 × 12 यानी वेलोसिटी जो है बस की वो 120 सेकेंड के बाद यानी 2 मिनट के बाद हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक चीज तो आपने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या कह रहा है बच्चों सेकेंड पार्ट हमसे? सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि कितना डिस्टेंस बस ने ट्रेवल किया है वो फाइंड करना है। यानी डिस्टेंस आप कह लीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कह लीजिए, एस सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पता है हमें? यू पता है, वी पता है, ए पता है और टी पता है, और हमें फाइंड करना है एस। तो इस सेकेंड इक्वेशन को अगर देखें तो यू पता है, टी पता है, ए पता है और टी पता है। तो एस फाइंड करने के लिए सारी चीजें हमें पता है, तो हम जो फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, वैसे हम लोग थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें यू की वैल्यू जीरो है बच्चों, स्टार्टिंग रेस्ट से है, यू की वैल्यू जीरो है, तो जीरो को टी से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.1, और टी स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर यानी 120 × 120। ये डेसिमल हटाइए, ये हो गया 10। 10 से कट करेंगे ये जीरो चला जाएगा, और 12 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी एस हमारा कितना हो गया? एक जीरो तो हमारा पहले से ही है, और 12 × 6 हमारा होता है 72। यानी 720 मीटर डिस्टेंस जो है बस ने उस 2 मिनट में ट्रेवल कर लिया। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली है, अ ट्रॉली गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ जा रही है, अ ट्रॉली गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। Has acceleration, कितना acceleration है इसका? Has acceleration of 2 cm/s². तो एक ट्रॉली है, which is going down an inclined plane. एक inclined plane इस तरीके से रास्ता है और उधर नीचे की तरफ आपकी ट्रॉली जा रही है, और कितना एक्सेलरेशन है उस ट्रॉली का? 2 cm/s². तो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, आपसे उसकी वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या गिवन है जरा पहले हम लोग ये इस पे गौर फरमा लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो आप बताइए, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप दिमाग में देखिएगा, समझिए क्या है। अ ट्रॉली गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एक्सेलरेशन 2 cm/s². एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे नीचे मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 cm/s². कितना है? 2 cm/s². अब मुझे ये बताइए, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या हमारा काम चलेगा? क्या ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का हमने सेंटीमीटर में देखा था? नहीं, मीटर में देखा था। तो जाहिर सी बात है इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2/100 m/s². ये सेंटीमीटर है, इसकी जगह मैंने मीटर लिखा, इसीलिए 2 को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आपका है। अब कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी शुरुआत शुरू होने के 3 सेकेंड के बाद,
यानी टाइम आपको दे रखा है 3 सेकेंड। शुरू होने के 3 सेकेंड के बाद यानी ट्रॉली को जब आपने मूव कराना शुरू किया था, तो जाहिर सी बात है जब आपने मूव कराना शुरू किया था ठीक उसी वक्त यानी शुरुआत में ट्रॉली जो है वो आपकी रेस्ट पे होगी, तो वहीं से आपने मूव कराना शुरू किया है। तो यानी शुरुआत में अगर ट्रॉली रेस्ट पर है यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कि इस 3 सेकेंड के गुजरने के बाद आपको फाइंड करना है कि उस ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो कितनी थी। तो मुझे बताइए आपको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे खुद पॉज करके सॉल्व करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप पॉज करिए और उसको सॉल्व कीजिए। वी निकालिए, कर लिया बच्चों पॉज कर लिया आप लोगों ने, आई होप आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप यहां पर नोट कीजिए कि हमें वी फाइंड करना है, यू ए और टी ये तीन चीज हमें पता है, यू ए और टी ये तीन चीज हमें पता है और हमें वी फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, जब U, A और T हमें पता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे पहला वाला, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। तो बताइए U की वैल्यू तो हमारी 0 है, A की वैल्यू कितनी है 2/100, A की वैल्यू कितनी है 2/100 और T की वैल्यू कितनी है 3। तो यानी कि वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, वेलोसिटी 2 × 3 6/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना बच्चों, और 6/100 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 0 पॉइंट, या आप कह सकते हैं 100 से डिवाइड करना, अगर 100 हटा दें तो ये आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप नोटिस कीजिए यहां पर क्वेश्चन में पहले से हमें क्वेश्चन पढ़ना है, चीजें नोट कर लेनी है हमें क्या क्या गिवन है, और फिर हमें देखना है फाइंड क्या करना है, और फिर हम लोग यहां से एक अंदाजा लगाते हैं कि ये चीजें गिवन हैं तो कौन सा इक्वेशन हमारा फिट बैठ रहा है इसमें, जो इक्वेशन फिट बैठ रहा है उसमें इक्वेशन पुट करके और सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन फिट बैठ सकता है लेकिन कोई चीज उसमें नहीं गिवन है तो बाकी इक्वेशन को यूज करके पहले वो चीज निकाल लेते हैं और फिर हम लोग फाइंड करते हैं। इसको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक स्टोन है उसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ स्टोन इज थ्रोन, इफ अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 5 meter per second, find the height, find the height reached by stone if acceleration in downward direction I hope question आप लोग note कर रहे हैं मेरे साथ साथ, in downward direction is 10 meter per second square। इस question में बच्चों एक आधा चीज सीखने वाली है वो हम लोग सीखते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है बच्चों, एक स्टोन हमारे पास है और उस स्टोन को क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर हम एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, किधर थ्रो कर रहे हैं स्टोन को, ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक स्टोन मेरे पास है उसे मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो ये जो स्टोन है इसे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी जिस वक्त हम उस स्टोन को थ्रो कर रहे हैं उस वक्त जब हमने हाथ से उस स्टोन को छोड़ा
तब जो स्टोन की वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऊपर की तरफ जब है तो ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं हम लोग? ऊपर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मुझे बताइए नीचे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा कि एक डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट रीच्ड बाय स्टोन, यानी आपको हाइट निकालने को कहा जा रहा है और कह रहा है कि आपको हाइट फाइंड करनी है इफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किधर है? इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट का जो ये तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से आपने स्टोन को थ्रो किया है। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो स्टोन का है वो नीचे की तरफ है और कितना एक्सेलरेशन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ, यानी एक माइनस साइन लगना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि फाइंड द हाइट रीच्ड बाय स्टोन, आप किसी भी चीज को जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऊपर जाते 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 एक मैक्सिमम हाइट आती है, वहां पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट फिर से नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर देता है। देखिए किसी भी चीज को आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है, कम होते 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 जब सबसे मैक्सिमम हाइट पर, सबसे ज्यादा हाइट पर जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है वहां पर उसकी वेलोसिटी जाकर जीरो हो जाती है, वो रुक जाता है वहां पर एक समय के लिए और फिर वापस से नीचे की तरफ फॉल करता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो क्या क्या गिवन है पहले ये हम लोग नोट कर लेते हैं। बच्चों ये बताइए कि आपने उस स्टोन को कितने वेलोसिटी से थ्रो किया है? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जिस वक्त उस स्टोन को आपने मूव कराना शुरू किया स्टार्टिंग में उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, इसलिए पॉजिटिव है। और कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट रीच्ड बाय स्टोन, यानी सबसे ज्यादा वो कहां तक पहुंचेगा। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, अपने सबसे ऊपर वाले हाइट पे पहुंचेगा, तब फाइनली वहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मैं क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 कह रहा हूं? क्योंकि फाइनली वहीं तक की बात हो रही है क्वेश्चन में, हाइट रीच यानी जब वो सबसे ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएगा वहीं तक की बात हो रही, वहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको और कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो उसका है वो नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ। तो आपको यू वी और ए आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड करना है, यानी आपसे क्वेश्चन में डिमांड किए हुए है कि आप उसको हाइट, हाइट यानी कि कितनी दूरी वो ऊपर की तरफ मूव करे, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है और यहां से वो यहां आ जाए तो ये जो हाइट है वो उसकी दूरी हुई ना, जितना वो ऊपर की तरफ गया है, तो वही हाइट यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट आपसे फाइंड करने को कह रहा है। तो अब मुझे बताइए वी यू और ए ये तीन चीज हमें गिवन है और एस हमें फाइंड करना है, तो कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना चाहिए? देखिए वी यू और एस ये तीनों गिवन है, ए निकालना है। कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना चाहिए बच्चों? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फॉर्मूला जो हम लोग यहां पर यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारा होना चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे बताइए v की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। u की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 2 हो जाएगा। a की वैल्यू है -10 यानी -10 इंटू एस, ये 25 अगर मैं इधर भेजू तो -25 हो जाएगा और ये -2 इंटू 10 20 इंटू जो डिस्प्लेसमेंट एस, माइनस और माइनस ये दोनों कट जाएंगे, एस हमारा कितना हो जाएगा? देखिए दूसरे साइड एक तो हमारा 25 है और ये 10 यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 2.5। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 मीटर। अब नोटिस कीजिए ये ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इसीलिए एस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है। तो कितने हाइट तक जाएगा वो स्टोन? 2.5 मीटर तक। बात समझ में आई कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आज का हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बुक से ले रहा हूं आपके बैक एक्सरसाइज से। कह रहा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक। एक मोटर बोट है एक मोटर बोट है जो कि विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट को मैंने शॉर्टकट में एसटी लिखा है, एसटी का मतलब यहां पर स्ट्रेट। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ, एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है सर कॉन्स्टेंट रेट? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय के लिए? फॉर 8 सेकेंड्स। एक मोटर बोट है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उस मोटर बोट की शुरुआत हो रही है और वो एक्सेलरेट कर रहा है मोटर बोट एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है? कॉन्स्टेंट रेट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 8 सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रैवल। ठीक है बच्चों, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल। यानी इस 8 सेकेंड में वॉट इज द डिस्टेंस विच द बोट इज ट्रैवलिंग। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या गिवन है हमें वो जरा फाइंड करते हैं। कह रहा है अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। और कह रहा है रेस्ट से स्टार्ट करने पर वो एक्सेलरेट कर रहा है मोटर बोट, कितने एक्सेलरेशन से? एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उसका एक्सेलरेशन कितने है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए? 8 सेकेंड के टाइम के लिए। ठीक है, सो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल। तो हमसे क्या फाइंड करने हो कह रहे हैं? हमसे फाइंड करने हो कह रहे हैं उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है हमें कि कितनी दूरी तक ये बोट जो है हमारा वो ट्रैवल कर रहा है। हमें क्या क्या गिवन है? U गिवन है, A गिवन है और T गिवन है, और S फाइंड करने को कह रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये फाइंड कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आप इन तीनों फॉर्मूले में देखिए U, A और T, इसको पुट करने पर कौन से फॉर्मूले में S हमें मिल जाएगा। देखिए S पहली बात तो कि इन दोनों फॉर्मूले में है, तो इसमें पुट करने पर मिलेगा या इसमें पुट करने में मिलेगा? तो यहां पर देखिए आपको V तो पता है नहीं जो आप इस इक्वेशन को यूज कर लें। हाँ, यहां पर आपको U भी पता है, T भी पता है, A भी पता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला डिस्टेंस S फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। तो UT कितना हो जाएगा? 0 इंटू T, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 है इंटू T स्क्वायर, यानी 8 को दो बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया 4। 3 4 जा कितना होता है? 12 और 12 8 जा 96, यानी बोट विल ट्रैवल 96 मीटर। अच्छा, इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे और अटैच कर दूं, क्वेश्चन अगर मैं अटैच कर दूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट आफ्टर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड के बाद। शुरुआत में तो आपको पता है कि बोट की वेलोसिटी 0 है, लेकिन आपसे कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट आफ्टर 8 सेकेंड्स, यानी आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी v फाइंड करनी है। कितने समय के बाद? तो 8 सेकेंड के टाइम गुजरने के बाद। तो अब कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? v के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे आप? देखिए u, a और t तीनों हमें पता है, तो हम लोग
सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी तो निकालना है हमें, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितनी है आपकी, वी की वैल्यू सॉरी यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है 3 और टी की वैल्यू है 8, यानी कि 8 × 3 = 24। यानी कि 8 सेकंड के बाद जो बोट की वेलोसिटी है वो हो जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का क्वेश्चन 5th क्वेश्चन क्या है, वो भी आपके बुक के बैक एक्सरसाइज से ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है उसे हम लोग जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, कितने हाइट से, 20 मीटर की हाइट से। ठीक है, तो एक बॉल है जिसे हम लोग जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, चुपचाप से जेंटली हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इफ द वेलोसिटी, अगर उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कह रहा है इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, और कह रहा है कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो कह रहा है यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ, उस एक्सेलरेशन का रेट दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है एक बॉल है जिसे हम लोग जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं 20 मीटर के हाइट से, यानी 20 मीटर के हाइट से एक बॉल को हम लोग चुपचाप से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब कि जिस वक्त हमने उस बॉल को छोड़ा उस वक्त वो बॉल रेस्ट पर है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो चुपचाप से बॉल रेस्ट पर है, वहां से हमने उसे ड्रॉप कर दिया जेंटली, कितने हाइट से, 20 मीटर से। अब जब आप ड्रॉप करोगे तो बॉल की स्पीड नीचे की तरफ जाते जाते बढ़ेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक्सेलरेशन आपको मेंशन किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहे हैं विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, विथ व्हाट वेलोसिटी will it strike the ground। तो पहली बात तो कि आपसे final velocity पूछता है, with what velocity will it strike the ground, जमीन को जब वो बॉल जाकर स्ट्राइक करेगी तब उस बॉल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, और कह रहा है कि आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक, कितने समय के बाद वो स्ट्राइक करेगा, करेगी बॉल। सो आफ्टर वॉट टाइम will it strike ground। तो दो चीजें आपसे पूछ क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसे हम लोग जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर, जब भी आपसे क्वेश्चन में ड्रॉप करने की बात करेगा यानी स्टार्टिंग में वो चीज रेस्ट पर है और आपने चुपचाप से ड्रॉप कर दिया, नहीं तो अगर आप रेस्ट पर अगर आप कुछ थ्रो करते हो स्टार्टिंग की वेलोसिटी तो वो कहेगा कि आप थ्रो कर रहे हो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि एक बॉल को हम लोगों ने जेंटली ड्रॉप किया है, यानी क्वेश्चन हमसे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कहना चाह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कितने हाइट से हमने ड्रॉप किया है, यानी हाइट यहां पर जितना हाइट है उतनी ही डिस्टेंस से वो फॉल करेगी बॉल, यानी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। तो हाइट है उसका 20 मीटर, 20 मीटर के हाइट से, यानी हाइट जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट के बराबर लिख रहे हैं 20 मीटर, और कितने रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आपसे अब कह रहा फाइंड करने को विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड,
यानी कि जब वो ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक कर रहा है, जब वो बॉल जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, तब उस बॉल की वेलोसिटी क्या है ये आपको निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, आपको यू पता है, ए पता है और एस पता है, और आपसे वी निकालने को कह रहा है। जरा आप लोग देखिएगा और खुद से पॉज करके सॉल्व करिए, वी कैसे हम लोग निकालेंगे। पॉज करके सॉल्व करें बच्चों, ईमानदारी से बिल्कुल कर लिया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिए। तो V आपसे पूछ रहा है, ये थर्ड इक्वेशन हमारा यूज हो, क्यों? U हमें पता है, A हमें पता है और S हमें पता है, तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए बच्चों? फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए आखिरी वाला फॉर्मूला हमारा होगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, है ना? हमें V फाइंड करना है, तो V स्क्वायर तो जैसा है वैसा लिख देते हैं। U की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 है और एस की वैल्यू 20 है, यानी वी स्क्वायर हमारा हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20, यानी ये आपका आ रहा है 20 इंटू 2 इंटू 10 हो गया 20, और एक और 20 है, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करें तो वी की वैल्यू कितनी है आपकी, 20 के बराबर है। वी की जगह 20 अगर लिख दे तो 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? वी की वैल्यू कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगला क्या क्वेश्चन है, अगला इसी पार्ट में कह रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना समय लग रहा है उसे ग्राउंड को स्ट्राइक करने में। देखिए हमारे पास वी है, यू है, ए है, तो अगर पहले वाले इक्वेशन में यूज करें तो टाइम हमारा निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है टाइम फाइंड करने, क्या फाइंड करने को कह रहा है बच्चों? हमें टाइम फाइंड करने को कह रहे हैं, और हमने भी देखा कि टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि वी की वैल्यू कितनी है 20, यू की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टाइम टी, यानी 20 हो गया इक्वल्स टू 10 इंटू टी, तो टी कितना हो जाएगा, इस साइड हमारा 20 है, यहां 10 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर ले जाएंगे तो 10 डिवीजन में आ जाएगा, यानी आपका 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया बच्चों, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद जो बॉल है इट इज गोइंग एंड स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसको पॉज करके वीडियो को और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का जो 6th क्वेश्चन है हमारा, ये आपके बुक से है, कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है तो एक ट्रेन है विच इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, कुछ इस तरीके से ब्रेक लगाया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो रहा है, तो ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है एक ट्रेन है जो कि कितने स्पीड से ट्रैवल करे, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यानी आपसे देखिए क्वेश्चन में जब जिक्र किया ट्रेन का, तो जिस वक्त ट्रेन का जिक्र हो रहा है उस दौरान उस ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी की 90 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि जब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है उस वक्त एक ब्रेक अप्लाई किया गया, और उस ब्रेक की वजह से एक एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है, और मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, कह रहा है फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो अब आगे कह रहा है कि फाइंड हाउ फार
ट्रेन विल गो, हाउ फार, यानी डिस्टेंस निकालना हो क्या है, हाउ फार ट्रेन विल गो, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो हाउ फार यानी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस, एस की वैल्यू कितनी होगी बिफोर कमिंग एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब कि आखिर में ट्रेन आपकी रेस्ट पे आ जा रही है, तो आखिर में अगर ट्रेन आपकी रेस्ट पर आ रही है इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, जीरो है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर शुरुआत में अगर कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरुआत कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अगर आखिर में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है जैसे यहां पर है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो गिवन में मुझे एक तो नजर आ रहा है कि जिस वक्त क्वेश्चन की शुरुआत हुई है उस वक्त ट्रेन की वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 मीटर और आर की जगह हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। ये जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ये हमारा 5 आ रहा है 2 से कट किया तो, और ये 2 से कट करने पे 3 आ रहा है। अच्छा, 3 से इसको कट करते तो कितना हो जाएगा 30, और 6 को कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है बच्चों वो है 5 इंटू 5, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है कि और एंड फाइनली इट इज कमिंग एट रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है जो कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे कह रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, यानी आपको कह रहा है, अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं खुद से, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो यानी कितनी दूरी वो ट्रेवल करेगा, एस आपको फाइंड करना हो कह रहा है। तो यू वी और ए पता है और एस आपको फाइंड करना है, तो आप देखिए कौन सा इक्वेशन आप यूज करें। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। पॉज कर ले बच्चों और इसको सॉल्व करिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके इसको, पॉज बटन दबाया, आपने सॉल्व किया, फिर आप दोबारा से रिज्यूम करके देख रहे हैं। अब देखिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, क्या आखिरी वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। वी, यू और ए, ये तीनों हमें गिवन है, कर सकते हैं ना। तो वी की जगह 0 0 का स्क्वायर होता है, 0 स्क्वायर 0 हो गया। यू की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, फिर आपका 2 आ गया, और ए की वैल्यू है -0.5 यानी -(-0.5) ठीक है बच्चों, इनटू एस। अब 0.5 डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, ये आपका 1 हो गया और 5 से कट के 2 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन है आपका 0 = 625 - 1 × 1 × s यानी कि s। अब इस माइनस एस को इधर ले जाएंगे तो प्लस एस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 625 मीटर, यानी कितनी दूरी ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है रेस्ट पे आने से पहले, 625 मीटर। आई होप आपका आंसर सेम है, अगर सेम नहीं है तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिएगा पॉज करके। चलिए बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके बुक में, कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी मान लेते हैं हम लोग कि घर से वो स्कूल जा रहा है अब्दुल। ठीक है, कंप्यूट्स एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। कंप्यूट्स यानी वो कैलकुलेट करता है, कंप्यूट्स एवरेज स्पीड, क्या कंप्यूट कर रहा है, एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप, फॉर हिज ट्रिप
टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब्दुल है, वो अब्दुल भाई साहब स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, और जब वो घर से स्कूल जाते हैं तब वो देखते हैं कि भाई मेरी एवरेज स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आ रहा है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अब रिटर्न कर वापस स्कूल से घर आने के दौरान, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो आप कहना चाहें, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्ट्रिप। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल जब घर से स्कूल जा रहे थे उस दौरान उनकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आ रहे हैं रिटर्न ट्रिप में, रिटर्न ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो कह रहा है कि आपको अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आप क्वेश्चन पहले नोट कर लें, फिर हम लोग इसको देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, समझने की जरूरत है। कह रहा है अब्दुल जब अपने घर से स्कूल जा रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और स्कूल से जब वो घर आ रहा है तब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा 20 है और ये 30 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है जहां पर कि अब्दुल का घर है, इसे मैं ए कह रहा हूं, और यहां से अब्दुल चलता है और बी पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसका स्कूल है। ठीक है, अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा है, तो घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कह देते हैं कि एक्स किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? एक्स किलोमीटर। तो जब वो घर से स्कूल जाएगा, यानी होम टू स्कूल, पहले इसको समझते हैं, घर से स्कूल जाने पे कितना डिस्टेंस कवर किया अब्दुल ने बच्चों, घर से जब वो स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल के बीच की दूरी एक्स किलोमीटर है, तो घर से जब वो स्कूल जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और उसकी जो स्पीड है, स्पीड यानी एवरेज स्पीड, वो कितनी है? तो घर से स्कूल जाने के दौरान वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सपोज करो कि उसको जो टाइम लग रहा है, अब्दुल को घर से स्कूल जाने में जो टाइम लग रहा है, वो मान लेते हैं कि T1 है। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में जो फॉर्मूला हमारा है, क्या ये फॉर्मूला है कि टाइम हमारा होता है इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन 20, इतना टाइम लग रहा है ना उसे, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। ठीक है, अब फिर कह रहा है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, यानी अब स्कूल से वापस घर जाएगा। ये तो पहला हमारा हो गया होम टू स्कूल, अब हम लोग देखते हैं स्कूल टू होम, स्कूल टू होम। तो स्कूल से घर जाने के दौरान क्या होता है, जरा इसको समझिएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा अब्दुल? जब घर से स्कूल जाते वक्त, घर से स्कूल जाते वक्त एक्स किलोमीटर कवर किया, तो स्कूल से घर भी तो वही दूरी होगी ना, एक्स किलोमीटर, दूरी बदल तो नहीं जाएगी आपकी। लेकिन इस वक्त जो स्पीड अब्दुल ने देखा, मान लो भीड़ भाड़ कम है, फटाफट वो गया, तो इस बार उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में यही कहा गया है एवरेज स्पीड वापस रिटर्न जर्नी में 30 किलोमीटर पर आवर। और मान लो कि अब जो उसे टाइम लग रहा है, वो टाइम मैं कह दे रहा हूं कि वो टाइम T2 के बराबर है। तो अब मुझे बताइए कि जो टाइम T2 है वो कितना होना चाहिए? टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस तो फिर से एक्स है, लेकिन स्पीड उसका 30 है, इसे मैं कह दे रहा हूं
इक्वेशन नंबर टू, यानी घर से स्कूल जाने में टाइम लगा इतना और स्कूल से वापस घर आने में टाइम लगा इतना, तो जो उसका पूरा ट्रिप है, अब्दुल का पूरा जो ट्रिप है, अगर घर से स्कूल जाने में T1 टाइम लग रहा है और स्कूल से वापस घर आने में T2 टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम उसके ट्रिप का, टोटल टाइम फॉर ट्रिप, पूरे ट्रिप का जो टोटल टाइम है टी, वो क्या होना चाहिए? T1 प्लस T2। अरे भाई आपको घर से स्कूल जाने मान लो 15 मिनट लगते हैं और स्कूल से घर वापस आने में 10 मिनट, तो टोटल कितना लगा ट्रिप का? 15 मिनट जाने में और 10 मिनट आने में, यानी 15 प्लस 10 25 मिनट। तो वैसे ही मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये T1 प्लस T2 हमारा आ रहा है x, T1 की जगह मैंने लिख दिया x by 20 और T2 की जगह मैंने लिख दिया x by 30। अब बच्चों देखिए एलसीएम ले सकते हैं ना, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना है? 60। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x नहीं होगा, ये 20 है ना, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 60 लाने के लिए? 3 से, तो नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, 3x। और वैसे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यानी 3x प्लस 2x ये हो गया 5x अपॉन 60। क्लियर है? तो ये जो टाइम है आपका वो कितना है, 5 को 60 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 12, यानी टाइम लग रहा है x by 12। ठीक है, इतना टाइम लग रहा टोटल ट्रिप में। अब मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस इस पूरे ट्रिप में जो टोटल डिस्टेंस अब्दुल ने कवर किया कितना है? देखिए घर से जब वो स्कूल गया तब x किलोमीटर, और स्कूल से जब घर आया तो भी x किलोमीटर, तो x जाने में और x आने में, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस x प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2x। तो टाइम आपका है x by 12 और डिस्टेंस आपका आया है 2x। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चों, यानी स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही है ना, कुछ अलग तो नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, इसे मैं v सिंबल से लिख रहा हूं, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, डिस्टेंस हमारा कितना है 2x और टाइम कितना लगा है x by 12, तो ये x से x कट जाएगा और ये 12 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो है 12 into 2, यानी कि एवरेज स्पीड हमारा कितना आ रहा है 24 मीटर पर सेकेंड। ये अब्दुल के जर्नी की एवरेज स्पीड है, यानी पहले वो जब घर से स्कूल गया तो डिस्टेंस x स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकाल लिया, फिर स्कूल से घर जा रहा है उस तरीके से टाइम निकाल लिया, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे टोटल टाइम आ जाएगा जर्नी का भाई x किलोमीटर घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया 2x। ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम दोनों को डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले में, तो एवरेज स्पीड आपका निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके और नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, पॉज करके नोट कर लिया। तो देखिए हमने कल 3 क्वेश्चंस किए थे, पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चंस किए थे, आज हमने 7 क्वेश्चन किए, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने अपने एंड से करा दिया आपको। अगले लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और 2-3 क्वेश्चन वहां पर भी, हम लोग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम लोग वहां पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर बच्चों पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों में, अपने नेबर्स में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब कभी भी हम कोई न्यू लेक्चर अपलोड करें आप तक वो वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। इसके अलावा बच्चों अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन दो नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ब्रांचेस जो है वो मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में, ये दो ब्रांचेस हमारे हैं। हम 9-10 को मैथ्स और साइंस और 11-12 को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं,
क्वालिटी है टीचर्स के, और अगर आप और ज्यादा बेहतरीन तरीके से और ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं, अपने जानने वाले लोगों को भी रेकमेंड कर सकते हैं, और इस चैनल को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर अगले लेक्चर में होपफुली हमारा खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, एंजॉय, और इसके कुछ क्वेश्चंस यू लाइक से या किसी दूसरे बुक से भी आप कुछ 20-25 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई कीजिएगा।